नमस्कार किसान साथियों, मैं जानकारी चल के शेयर करना ना भूलें। आज हम बात करने वाले हैं सरसों की फसल के ऊपर, जो कि खुराक क्या डालें और फर्टिलाइजर कौन सा यूज करें। तो कई किसान भाइयों के सवाल रहते हैं, सबसे बड़े भाई हम DAP कितनी डालें, यूरिया कितनी डालें, ये रासायनिक खेती को छोड़कर। और कई किसान भाई छोड़ते हैं भी हम ऑर्गेनिक खेती फार्मिंग कैसे करें। तो सबसे बड़े सवाल कई किसान भाइयों के रहते हैं, पहली तो जो हमारे बुजुर्गों का मानना है और सबसे बड़ी जो हमारे बुजुर्ग कहते हैं भाई, जहाँ पे आपने सरसों लगानी है वहाँ पे गहरी जुताई करके सरसों लगाएं। गहरी मतलब जहाँ पे तोते या कल्टीवेटर बढ़िया, तोते ही लगाएं, कल्टीवेटर तो ना ही लगाएं, तोते लगाकर, या अगर प्लाऊ लग जाए तो सबसे बढ़िया है। कंप्यूटर लगाना है आपको तो प्लाऊ लगाकर फिर आगे बिजाई करें सरसों की। तो सरसों की एक गहरी जड़ें होती है, लंबा फैलाव अच्छा रहता है, जिसके कारण हमारी फसल में यील्ड में प्रभाव पड़ता है। तो वो भी बहुत जरूरी है, जैसे हमारे किसान भाई तोते लगा रहे हैं। अब हम मानते हैं अभी फर्टिलाइजर कौन सा यूज करें जी सबसे बढ़िया। तो मैं पहली मेरी गाइडेंस हमेशा किसान भाइयों को यही रहती है, अभी आप सबसे जो रासायनिक खेती को छोड़कर ऑर्गेनिक खेती पे कैसे लाया जाए आपको। तो हमने जो मतलब MS से अपने जो कचरा है खेत के अंदर ही मिला दिया, जिसके कारण हमारी कार्बन पूरा रहे। दो नंबर पर हमारे एरिया के अंदर, उत्तर भारतीय एरिया के अंदर जो हमारा उत्तरी मैदान एरिया है उसके अंदर क्या रहता है, सबसे बड़ा रहता है भी ये समस्या कार्बन की पूर्ति, जैविक कार्बन कम हो रहा है खेतों के अंदर से। दो नंबर पर हमारा pH मान जो ऊपर हाई और कम ज़्यादा मिलता है, तो इसमें बड़ी समस्या आती है, जिसके कारण हमारी जर्मिनेशन के अंदर फसलों के अंदर रिगार्डिंग। तो हम क्या डाल रहे हैं फर्टिलाइजर के अंदर, तो सबसे बड़ा हमने पहले तो लिया जिप्सम जी, आप जिप्सम का बैग देख सकते हैं, ये हमने जिप्सम डाल रहे हैं लमसम 4 कट्टे प्रति बीघे के हिसाब से, पहले साल, दूसरे साल 3 कट्टे और हर साल रिपीट के अंदर 2 कट्टे। मैं DAP का यूज नहीं कर रहा जी, पहला काम ये बता देता हूँ, 4 से 5 साल हो गए धीरे धीरे हम DAP छुड़ा रहे हैं खेतों से। और साथ के अंदर क्या कर रहे हैं, इसके साथ जो हमने यूरिया को कम घटाने के लिए काम किया है, तो इसमें हमने जो मालाब का यूज किया, जो आप देख सकते हैं ये प्रोडक्ट, ये ग्रेनुअल के अंदर आता है, इसके अंदर पोटास, सल्फर और मैग्नीशियम है। तो सल्फर जो अपनी इसके लिए सरसों की फसल के लिए बहुत जरूरी है, जिप्सम भी बहुत जरूरी है। अब क्या रहता है जिप्सम का, जिप्सम के अंदर कैल्शियम और सल्फर है, सल्फर भी मिलेगी, कैल्शियम भी मिलेगी, और साथ के अंदर हमारा pH मान भी मेंटेनेंस रहेगा। इसके अंदर हमें मैग्नीशियम मिल जाएगा और साथ में कैल्शियम मिल जाएगी, और साथ के अंदर कुछ मात्रा के अंदर पोटास मिलेगी जो कि मेन मेजर है, और साथ के अंदर सल्फर मिलेगी। तो सल्फर की पूर्ति पूरी होगी हमारी सरसों की फसल के अंदर, और जमीन सुधारक है, इसमें सोडियम क्लोराइड कम है, जो कि जो आप नमक बोलते हो उसको, वो कम है इसके मंदर मात्रा, ऑर्गेनिक है ये। और साथ के अंदर ये जो अपने सबसे बड़ा ग्रेनुअल है, आप देख सकते हो ग्रेनुअल फॉर्म में है, तो आप इसका छिंटा भी लगा सकते हो, इसका यूज भी कर सकते हो, ये 8 किलो प्रति बीघे के हिसाब से आप यूज कर सकते हो हर फसल में, कणक जो सरसों चनों में और सरसों के अंदर, हर फसल के अंदर कारगर है। अब बात करें हम, तो इसके साथ है जिप्सम भी बहुत जरूरी है हमारे खेतों के अंदर, जिप्सम डल जाएगी, अब जैसे तोते लगेंगे उसके साथ जिप्सम डाल देंगे जब बिजाई करेंगे, इस टाइम 8 किलो प्रति बीघे के हिसाब से माला। अब आया जी एक माइकोराजा जो नया आ रहा है अपने इंडिया के अंदर, पेप्टाइल बेस्ड माइकोराजा है ये बहुत बढ़िया माइकोराजा है, साथ के अंदर नया आया है हमारे इंडोर एक्टो, सुना हुआ है पेप्टाइल बेस्ड, पहली बार सुनेंगे, और ये ग्रेनुअल फॉर्म में है, इसका छिंटा और बिजाई भी कर सकते हैं साथ के अंदर। ये क्या काम करेगा, सबसे बड़ा जो पहले तो इसका नाम सुन ले, महा बूस्टर प्लस के नाम से आ रहा है ये इसकी डोज है 2 किलो प्रति बीघा के हिसाब से आप डाल सकते हैं इसको। ये क्या काम करेगा, आपके खेत के अंदर जो ऑर्गेनिक कार्बन है उसको पूर्ति करेगा, साथ के अंदर सबसे बड़ी जो मेरे खेतों के अंदर समस्या आ रही है भी, अपने खेत के अंदर जड़ों का फैलाव नहीं हो रहा, और जिसे जैसे हमने यूरिया DAP जो फर्टिलाइजर यूज करते हैं वो बड़ी समस्या आती है सबसे अंदर, तो वो दूर करेगा। उसके साथ अपने जो मतलब गहरे तक जड़ें जाएंगी, तो जिसके कारण हमारी जो DAP यूरिया जो भी नाम से सुपर डाली हुई है वो खेतों के अंदर कारगर होगी, और इसके अंदर जड़ों का फैलाव अच्छा होगा, तो जिसके कारण हमारी फसल में यील्ड में प्रभाव पड़ेगा। 3 नंबर पर सबसे बड़ी समस्या हमारे खेतों के अंदर क्या दिखाई दे रही है भाई, अपने किसान भाई घबराए हुए हैं, सबसे बड़ी समस्या खेतों के अंदर क्या आती है, जर्मिनेशन की, फंगस की, और उसके बाद ऊपर के अंदर यील्ड नहीं निकलती, अपने यील्ड के प्रभाव पड़ता है। तो अपने सरसों के अंदर गहरी जुताई पहला नंबर, 2 नंबर पर अपने सल्फर की पूर्ति मिलेगी, अपने ये पाउडर फॉर्म या ग्रेनुलर डालते हैं सल्फर, इसके अंदर सल्फर है और जिप्सम के अंदर सल्फर है, जिप्सम और ये मालाब जो अपने भूमि सुधारक बना जाएगा, इसके अंदर भूमि सुधारक होगा, साथ में ये फर्टिलाइजर जैसे अपने रासायनिक फर्टिलाइजर है उसका कम होकर अपने ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर में आएंगे। और माइकोराजा आप डालते ही हो, माइकोराजा एक बेस्ट आपको माइकोराजा बता दिया है, पेप्टाइल बेस्ट, जो कि आपको बढ़िया रिजल्ट मिलेगा आपके खेतों के अंदर, साथ में परिणाम अच्छे मिलेंगे, साथ के अंदर क्या होगा जो अपने ऑर्गेनिक कार्बन और उसको बढ़ाएगा, साथ के अंदर अपने जो ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा तो इसके अंदर जो अपनी जमीनों के अंदर ऑर्गेनिक कार्बन की कमी है, जिसके कारण जर्मिनेशन और भूमि पकड़ पक्की हो रही है वो धीरे धीरे खुलना स्टार्ट होगी, और जमीन का उपजाऊपन बढ़िया रहेगा।
तो आप देखते हो अभी मेरी यील्ड अच्छी निकलती है हर साल, और हर साल मैं कोशिश करता हूँ भी किसानों को ऑर्गेनिक पे लाऊं। तो डीएपी घटाकर, डीएपी बंद करके मैंने धीरे धीरे डीएपी घटाई पहले, फिर धीरे धीरे इसको बंद किया, अब धीरे धीरे मैं यूरिया बंद कर रहा हूँ, सुपर भी बंद कर रहा हूँ। तो ये कारण क्या रहता है, अभी अपने धीरे धीरे जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पौधे को जरूरी है फर्टिलाइजर, वो अपने टाइम टू टाइम दे रहे हैं उसको खुराक। एक मेरा मेन मेजर ये बात रहती है हर किसान भाई को, जो किसान भाई अपने जीवन के अंदर समझ गया पौधे को खुराक क्या चाहिए, कौन सा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स किस टाइम चाहिए, तो उसकी फसल आज तक कभी भी कम नहीं हुई। अगर जो किसान भाई नहीं उस चीज़ को नहीं समझता, जो किसान भाई केमिकल को समझता है, वो हर साल यील्ड के अंदर प्रभाव कम ही पड़ता है उसके, वो यील्ड कम रहती है, फिर वो लास्ट में अंदर कहता है भाई मेरे बीमारियां बहुत आई है जी, मेरे पौधा जो हष्ट पुष्ट रहेगा वो आपको यील्ड अच्छी देगा, जो हष्ट पुष्ट नहीं रहेगा वो समस्या आपको पैदा करेगा जी। तो ये बड़ी समस्या है। तो किसान भाइयों, ये जो फर्टिलाइजर है बूस्टर है जो प्लस है, वो माइकोराजा है, मालाब है जो जो ग्रेनुलर फॉर्म में और पाउडर फॉर्म में दोनों में, फोलियर स्प्रे में और नीचे डलमे में बहुत काम आती है बड़ी साथ के अंदर। इसके अंदर एक सबसे बड़ी कारगर है, इसके अंदर केमिकल का कोट नहीं है, जिससे व्हाइट कलर का पाउडर है बस इसके अंदर ऊपर बनाई हुई है, ये भी बहुत बढ़िया है। तो 3 नंबर पर जिप्सम है, जो जिप्सम हम डाल रहे हैं हर साल मैं डलवाता ही हूँ किसान भाइयों को। तो ये हमारे गाँव के अंदर के किसान जुड़े हुए हैं, जो आगे आगामी और भी साइडों से जुड़े हुए हैं, उनको जिप्सम डलवाता हूँ। तो जिप्सम बहुत कारगर है अपने खेतों के अंदर, इसका 4 बैग जरूर डालें। और एक और अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ किसान भाइयों पहुंचेंगे, यहाँ सुपर डाल रहे हैं जो कोरोमंडल के ग्रो प्लस सुपर डालें, वो आप एक बैग एक प्रति बीघे के हिसाब से आप डाल सकते हैं। अगर डीएपी छोड़ रहे हैं धीरे धीरे, तो एक बैग है उसके अंदर 16% आपको फास्फोरस डीएपी मिल जाएगी, तो आपके खेत के अंदर बढ़िया ऑर्गेनिक कार्बन और ये जो खुराकें देंगे तो उससे बढ़ेगा। और जो अपना कचरा है खेत के अंदर मिलाएं, और बढ़िया तोतों द्वारा जमीन को बाकर 10 दिन छोड़ दें, जिसके कारण जो हमारे मित्र कीट हैं वो बढ़िया हो, और साथ के अंदर इनेक्ट कीट है वो गर्मी के टेम्परेचर के कारण मर जाएं। एक अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ पहुंचेंगे, जानकारी अच्छी लगे शेयर करना ना भूले। धन्यवाद किसान भाई।